हनुमान जी व शनिदेव के बीच क्या है रिश्ता? बजरंगबली श्री हनुमान जी और शनिदेव के बीच के रिश्ते के बहुत कम लोग ही जानते हैं। आपके के लिए प्रस्तुत है बालाजी और शनिदेव के क्या है रिश्ता। एक बार महावीर हनुमान श्री राम के किसी कार्य में व्यस्त थे। उस जगह से शनिदेव जी गुजर रहे थे कि रास्ते में उन्हें हनुमान जी दिखाई पड़े। अपने स्वभाव की वजह से शनिदेव जी को शरारत सूझी और वे उस राम कार्य में विघ्न डालने हनुमान जी के पास पहुँच गए। हनुमान जी शनि देव को चेतावनी दी और उन्हें ऐसा करने से रोका, पर शनि देव जी नहीं माने। हनुमान जी ने तब शनि देव जी को अपनी पूंछ से जकड़ लिया और फिर से राम कार्य करने लगे। कार्य के दौरान वे इधर उधर खुद के कार्य कर रहे थे। इस दौरान शनि देव जी को बहुत सारी चोटें आई। शनि देव ने बहुत प्रयास किया पर बालाजी की किद से खुद को छुड़ा नहीं पाए। उन्होंने हनुमंत से बहुत विनती की पर हनुमान जी कार्य में खोए हुए थे। जब राम कार्य खत्म हुआ तब उन्हें शनिदेव जी का ख्याल आया और तब उन्होंने शनिदेव को आजाद किया। शनिदेव जी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने हनुमान जी से माफी मांगी कि वे कभी भी राम और हनुमान जी के कार्यों में कोई विघ्न नहीं डालेंगे और श्री राम और हनुमान जी के भक्तों को उनका विशेष आशीष प्राप्त होगा। शनिदेव जी भगवान श्री हनुमान से थोड़ा सरसों का तेल मांगा जिसे वो अपने घावों पर लगा सके और जल्द ही चोटों से उभर सके। हनुमान जी ने उन्हें वो तेल उपलब्ध करवाया और इस तरह शनिदेव के जख्म ठीक हुए। तब शनिदेव जी ने कहा कि इस याद में जो भी भक्त शनिवार के दिन मुझ पर सरसों का तेल चढ़ाएगा उसे मेरा विशेष आशीष प्राप्त होगा। एक कथा के अनुसार अहंकारी लंकापति रावण ने शनिदेव जो को कैद कर लिया और उन्हें लंका में एक जेल में डाल दिया। जब तक हनुमान जी लंका नहीं पहुँचे तब तक शनिदेव उसी जेल में कैद रहे। जब हनुमान सीता मैया की खोज में लंका में आए तब माँ जानकी को खोजते खोजते उन्हें भगवान शनि देव जेल में कैद मिले। हनुमान जी ने तब शनि भगवान को आजाद करवाया। आजादी के बाद उन्होंने हनुमंते का धन्यवाद किया और उनके भक्तों पर विशेष कृपा बनाए रखने का वचन दिया।